हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को बादाम की चाय पीने के फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। आपने नींबू या गुड़ की चाय का सेवन तो किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी बादाम की चाय का सेवन किया है? बादाम की चाय का सेवन सेहत के लिए बेहद गुणकारी होता है। बादाम की चाय का सेवन करने से आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनती है, साथ ही इसके सेवन से स्वास्थ्य से जुड़ी कई अन्य समस्याओं में भी लाभ पहुँचता है। क्योंकि बादाम ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन के, विटामिन ई, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर और जिंक जैसे तत्वों से भरपूर होता है, जो आपके शरीर को कई लाभ पहुंचाते हैं। तो आइए जानते हैं बादाम की चाय पीने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको बादाम की चाय का सेवन करना चाहिए, क्योंकि बादाम की चाय का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और कैलोरी तेजी से बर्न होती है, जिससे वजन कम करने में फ़ायदा मिलता है। अगर आप बादाम की चाय का सेवन करते हैं तो इसमें पाए जाने वाला विटामिन सी और विटामिन ई आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे आपका मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं तो आपको बादाम की चाय का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर में जमे हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जिससे दिल स्वस्थ रहता है। अगर आप बादाम की चाय का सेवन करते हैं तो ये पाचन स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला फाइबर पाचन क्रिया में सुधार करता है और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए बादाम की चाय का सेवन फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि बादाम की चाय में पाए जाने वाला विटामिन सी और विटामिन ई त्वचा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में और त्वचा को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। अनहेल्दी डाइट की वजह से शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं, ऐसे में अगर आप बादाम की चाय का सेवन करते हैं तो इसके सेवन से शरीर में जमे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और शरीर डिटॉक्स होता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको बादाम की चाय का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे खून की कमी दूर होती है। बादाम एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, इसलिए अगर आप रोज़ाना 1 कप बादाम की चाय का सेवन करते हैं तो इससे कैंसर जैसी घातक बीमारी का जोखिम कम होता है। इसका सेवन कैंसर के सेल्स को पनपने से रोकने में मदद करता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको रोज़ाना बादाम की चाय का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।